हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने टेबल में डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने एक स्टूडेंट नेम का टेबल क्रिएट किया था और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उसमें डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। फर्स्ट वन इज बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम्स। उसमें हम क्या करते हैं, हर एक कॉलम का नेम स्पेसिफाई करते हैं और उससे डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। और जो सेकंड मेथड है वो है कि विदाउट स्पेसिफाइंग दी कॉलम नेम्स। उसमें हम कॉलम नेम को स्पेसिफाई नहीं करते, हम ऐसे ही डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कॉलम के नेम्स को स्पेसिफाई करके फिर कैसे डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। तो चलिए इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम टेबल में डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए इंसर्ट क्वेरी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट, उसके बाद हम लिखेंगे इनटू और उसके बाद लिखेंगे टेबल का नेम विच इज स्टूडेंट। मतलब कि हम स्टूडेंट टेबल में डेटा को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे कॉलम के नेम्स। तो हमारे कॉलम्स कौन कौन से थे, सबसे पहले था नेम, उसके बाद था रोल नंबर, उसके बाद था हमारे क्लास और लास्ट था हमारा मार्क्स। तो ये हमने कॉलम्स के नेम स्पेसिफाई कर दिए। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज। अब हम इन कॉलम्स की वैल्यूज हम देंगे कि हम कौन कौन से वैल्यूज इन कॉलम्स में इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू होगी वो नेम की होगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉलम फर्स्ट है उसी कॉलम के कोरिस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू देनी होगी। मतलब कि जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे होगी वो फर्स्ट कॉलम की होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड कॉलम की होगी, जो थर्ड वैल्यू होगी वो थर्ड कॉलम की होगी। सबसे पहले हमारा कॉलम कौन सा है, नेम। तो हम यहाँ पे नेम की वैल्यू देंगे। तो जो हमारा नेम होता है, इसकी जो हमारी डेटा टाइप थी वो क्या थी, वेरकैट थी, मतलब की कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स जब हम इंसर्ट करवाते हैं तो उसको हम कोट्स के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल नेम लिखूंगा अमन। तो अमन हमारा जो है वो स्ट्रिंग है, इसलिए हम इसको कोट्स के अंदर दे रहे हैं। उसके बाद हमारा रोल नंबर, तो रोल नंबर हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर को हम कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, उसको हम सिंपल ही लिखेंगे। उसके बाद हमारी क्लास आ गई, क्लास भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको हम कोट्स के अंदर लिखेंगे। और मार्क्स हमारी इंटीजर वैल्यू है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे हर कॉलम की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। नेम हमारा अमन है, रोल नंबर 1 है, क्लास हमारी एमसी है और मार्क्स हमारे हैं 100। तो जब हम इसको रन करेंगे, रन कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर यहाँ पे हम दबाएंगे। तो ये देखिए हमारी जो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ चुका है और 1 रो अफेक्टेड हमारे डिस्प्ले हो रही है। तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। हम सिंपल अपने टेबल को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो कंप्लीट टेबल को डिस्प्ले करवाने के लिए हम कौन सी क्वेरी लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे टेबल का नेम स्टूडेंट, ठीक है जी। सिलेक्ट स्टार का मतलब, स्टार का मतलब कि ऑल रोज, मतलब कि इस टेबल से सभी रोज फेच करके हमें डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसको जब हम रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट रो है जो वो इंसर्ट हो चुकी है। नेम हमारा अमन है, रोल नंबर 1 है, क्लास एमसीए है और मार्क्स कितने हैं 100, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो था कि हमने सभी कॉलम्स के नेम इसमें स्पेसिफाई किए हैं, लेकिन अगर मैं इसमें किसी कॉलम का नेम स्पेसिफाई ना करूं, लेट्स से मैंने मार्क्स यहाँ पे छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं मार्क्स की वैल्यूज को एंटर नहीं करवाऊं तो ये क्या करेगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये इन सभी वैल्यूज को तो इंसर्ट करवा देगा। लेट्स से यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे रोल नंबर 2 आ गया, क्लास एमसीए होगी। तो हमने यहाँ पे मार्क्स की वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करवाया है, तो ये क्या करेगा, इन जो ये 3 कॉलम्स है इनमें तो डेटा को इंसर्ट करवा देगा, लेकिन मार्क्स के कॉलम में, मार्क्स की फील्ड में ये नल को इंसर्ट करवाएगा, क्योंकि यूजर ने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट ये उसको नल कंसीडर करता है। जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए रो इंसर्ट हो चुकी है। इसको जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो ये देखिए बाकी सभी वैल्यूज तो इंसर्ट हो चुके हैं, लेकिन मार्क्स की फील्ड में हमारे पास नल डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैसे वर्क करता है, जितने कॉलम्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और उतनी वैल्यूज यहाँ पे हम इंसर्ट करवाएंगे। तो जो भी कॉलम हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं करवाएंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो ये उसमें नल को इंसर्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, और हम इसमें कैसे डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, लेट्स से हम
अपने कॉलम्स का ऑर्डर चेंज करके भी इसमें डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। लेट्स से मैं पहले रोल नंबर यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया रोल नंबर। सेकंड में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लास, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स। तो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया अपने कॉलम्स का, और यहाँ पे लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। तो मैं क्या करूंगा, अब इन कॉलम्स के कोरस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करवाऊंगा। लेट्स से सबसे पहले हमारा क्या है, रोल नंबर है, तो यहाँ पे 2 मैंने कर दिया। सेकंड वन क्या है, क्लास है, और लास्ट में हमारा क्या है, रोल नंबर 2 नहीं, अभी 2 तो हमने इंसर्ट करवा दी। यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, क्लास MCA। जो हमारे थर्ड वन है हमारे मार्क्स, तो मार्क्स हम 200 ले लेते हैं, यहाँ पे 200। और जो हमारे नेम है, नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है जी, अमृत। तो ये मैंने नेम ले लिया। अब हम कॉलम्स का ऑर्डर चेंज करके भी हम इसमें डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो कॉलम्स की और यहाँ पे जो वैल्यू आप दे रहे हैं उनका जो डेटा टाइप है वो मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे रोल नंबर आपने लिखा है और यहाँ पे आप MCA पास करवा रहे हो तो MCA इसमें इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर की जो डेटा टाइप है वो हमारी इंटीजर है और MCA क्या है, हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये हमें एरर देगा। तो आपको डेटा टाइप भी मैच करनी होगी। तो रोल नंबर की वैल्यू क्या है, 3 है, क्लास क्या है, MCA है, मार्क्स क्या है, 200, और नेम क्या है, अमृत। तो आप कॉलम का ऑर्डर चेंज करके भी डेटा को इंसर्ट करवा सकते हो। जब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो ये देखिए हमारी रो इंसर्ट हो चुकी है, और जब हम इसको रिट्रीव करवाएंगे तो ये देखिए जो हमारी वैल्यूज है वो सभी सही इंसर्ट हुई है। नेम में अमृत है, ठीक है जी, रोल नंबर 3 है, क्लास MCA है, मार्क्स के हैं हमारे 200। तो ऐसे हम अपने डेटा में वैल्यूज को इंसर्ट करवाते हैं, हम कॉलम्स का ऑर्डर चेंज करके भी डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।